हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ICSE बोर्ड का 2023 का क्लास का मैथ का पेपर। में दो सेक्शन हैं, एक है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का है। जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ मैट्रिक्स दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ 2004 xy इक्वल टू 2-8, द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली आर। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सॉल्यूशन में। पहले हमने नोट किया इफ जो गिवन है, तो एक बार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0y, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले इसको इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इसमें ऐड कर देते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर क्या हो जाएगा, 0 × x प्लस 4 × y बराबर, ये 2 और -8 के इक्वल है। सॉल्व करेंगे जब तो 2x बराबर 2 होगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा, 4y बराबर -8, तो y बराबर -8/4, तो y बराबर आ जाएगा -2। तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 होगा और y बराबर -2, यही इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x -2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - kx - 12, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसके सोल्यूशन फर्स्ट हम सपोज करेंगे, इफ x -2 = 0, x = 2, पुट इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारी क्या थी, x³ - kx - 12 = 0। यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2³ - k × 2 - 12 = 0, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2k - 12 = 0। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 8 ही रहेगा, और ये माइनस का 12 और k को इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 - 12 मतलब -4 बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, बराबर 2k। तो जब यहाँ से 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -4/2 = k। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k = -2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इन द गिवन डायग्राम RT इज ए टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट S, इफ एंगल PST = 30 एंड एंगल SPQ = 60, देन एंगल PSQ = 2। तो हमें इसके सोल्यूशन में हमें फर्स्ट हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो पॉइंट है जो टेंजेंट टच करती है सर्कल को, एकॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द एंगल मेड बाय द कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट। जो अल्टरनेट सेगमेंट होगा ये क्या होगा, एंगल इक्वल होगा, तो SQP या PST जो है ये हमें 30 दिया है, तो SQP ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 ही होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल मेड बाय द कॉल्ड ऑन सरकमफ्रेंस वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा जो टेंजेंट से कॉल्ड एंगल बना रही है। अब इन द ट्रायंगल SPQ, इन दोनों ट्रायंगल में ये 60 है, ये 30 हो गया है, तो एंगल प्रॉपर्टी से PSQ एंगल फाइंड हो जाएगा, या एंगल SPQ प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल SQP बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 60 वैल्यू पुट करेंगे प्लस PSQ प्लस 30 = 180। सॉल्व करेंगे तो एंगल PSQ = 180 - 90, और इसको जब सॉल्व करेंगे एंगल PSQ = 90°, यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज वोवेल। तो सॉल्यूशन में हमें पता है कि जो टोटल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल क्या है, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट लेटर चोजन इज वॉवेल, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारा 5 है और टोटल आउटकम्स 26 है, तो आंसर आएगा 5/26।
सिक्स, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ थ्री इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देन पी इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में थ्री इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो एक्स बराबर थ्री पुट इन इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है थ्री पुट कर देंगे, थ्री का स्क्वायर माइनस पी इंटू थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा नाइन प्लस माइनस थ्री पी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, नाइन प्लस का है प्लस का थ्री है तो ट्वेल्व हो गया, ये माइनस का थ्री पी इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ट्वेल्व माइ इक्वल टू थ्री पी, अब थ्री इधर मल्टीप्लाई में है पी से, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ट्वेल्व बाई थ्री इक्वल टू पी, थ्री वनजा थ्री और थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो पी बराबर हमारा फोर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। इन द फिगर गिवन फिगर एंगल बी ए पी बराबर एंगल डी सी पी बराबर 70 डिग्री, पी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, देन पी डी अपॉन डी बी हमें फाइंड करना है। अब हमने देखा कि डायग्राम से कि जब दोनों के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल हो गया, और वैसे भी जो हमारा ट्रायंगल पी डी सी और होल ट्रायंगल पी ए पी बी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक एंगल कॉमन है और ये एंगल इक्वल दिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों में क्या होगा, सेम रेशियो होगा, तो जब सेम रेशियो होगा देयर फोर बाय थेल्स थ्योरम पी सी अपॉन ए सी इक्वल टू पी डी अपॉन बी डी, तो सिक्स बाई फोर इक्वल टू पी डी अपॉन बी डी, तो टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स पी डी अपॉन बी डी, तो पी डी अपॉन बी डी हमारा आ जाएगा थ्री रेशियो टू, क्योंकि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होता है कि जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, वही थ्योरम अप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नेक्स्ट, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपी 3080, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% देन द जीएसटी चार्जेज, चार ऑप्शन दिए हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया है प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपी 3080, जीएसटी है 10%, 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, 3080 का 10% निकाल देंगे तो जो 3080 इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कट गया, सॉल्व करके आएगा 308, मतलब 308 रुपी, यही हमारा आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दिया है 1 + sin A और 1 - sin A अलग अलग ब्रैकेट में है, पूछा है इसको इक्वल ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - sin² a, अब ये हो गया 1 - sin² a, अब cos स्क्वायर a जो है 1 - sin² a के इक्वल होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे cos स्क्वायर a, तो मतलब इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर a, यही इसका आंसर होगा। और जो हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है वो है, हमें दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड रेस्पेक्टिवली -4, -2, -6, 2 and 4, 6, द सेंट्रॉइड जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्यूशन में क्या होगा, x1 - 4 है, x2 - 6 है, x3 - 4 है, y1, y2, y3, -2, 2, 6 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, सेंट्रॉइड ऑफ जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होगा, x1 + x2 + x3 / 2 + y1 + y2 + y3 / 2, सॉल्व करेंगे तो -4 + 6 + 4 / 2 - 2 + 2 + 6 / 2, सॉल्व करेंगे 6/2 = 6/2, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 6/2 सॉल्व करने पे आंसर आएगा, जो सेंट्रॉयड होगा ट्रायंगल एबीसी इसके जी का कोऑर्डिनेट होगा ए बी
सी यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n+5 द टेंथ टर्म इज। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+5, टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 2 × 10, क्योंकि n बराबर 10 लेंगे, प्लस 5 बराबर 20, प्लस 5 बराबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9 इज। सॉल्यूशन में क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल मीन्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 × 9 बराबर अंडर रूट 36 बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर इसका आएगा मीन, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया है मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स मीन, लेकिन मीन को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड नहीं कर सकते हैं ग्राफिकली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 3 cm इज 48π, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज। सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है 48π³ दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 cm है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर π r² h होता है, 48π इसके इक्वल हो जाएगा π r × 3। तो यहाँ पर क्या होगा, r² है × 3, तो ये π और 3 π, ये अपान में आ जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16, या r बराबर होगा 4 cm। यही हमारा आंसर होगा, जो r है वो 4 cm आएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि हमें 14 क्वेश्चन है, नवीन डिपॉजिट ₹800 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर 6 मंथ, इफ़ ही रिसीव 4,884 एट ए टाइम ऑफ मेच्योरिटी देन द इंटरेस्ट ही अर्न इज। सॉल्यूशन में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि उसने कितना मनी डिपॉजिट किया है, उसके बाद उसमें से जो हमें रिसीव हुआ है मेच्योरिटी में से जो हम जमा किए थे उसको माइनस कर लेंगे। तो सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, टोटल डिपॉजिट मनी इन 6 मंथ बराबर 6 × 800 बराबर 4,800, मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी बराबर ₹4,884, अब इंटरेस्ट अर्न बराबर 4,884 माइनस 4,800 बराबर ₹84, यही हमारा आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन फॉर द इन इक्वेशन 2x+4 ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 14, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर इज। चार ऑप्शन दिए हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर जो इन इक्वेशन है 2x+4 स्मॉलर देन इक्वल टू 14, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर इफ एक्स बराबर 1, तो मिनिमम है क्या होगा 2 × 1+4 बराबर क्या आ जाएगा 2+4 बराबर 6, इफ एक्स बराबर 5 फॉर मैक्सिमम 2 × 5+4 बराबर 14, तो सॉल्यूशन क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन में आएगा एक्स की मतलब जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 15 पार्ट थे वो फिनिश होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + x² - ax - 81। सॉल्यूशन में इसके फर्स्ट हम लिखेंगे इफ एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है 0 के इक्वल होगा, एक्स बराबर ये इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 14 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारी है 3x³ + x² - ax - 81 = 0। अब जब यहाँ पर हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए पुट कर देंगे, तो 3 a³ + a² - a × a - 81 = 0, 3a³
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू जीरो। प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, 3a³ बराबर 81। अब ए क्यूब बराबर 81, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब बराबर आएगा 27। अब ए बराबर जब इधर आएगा तो ये क्यूब रूट 27 हो जाएगा। अब ए बराबर 27 को जब ब्रेक करेंगे तो क्यूब रूट 3 × 3 × 3, अब 3 का ये ट्रिपलेट बन रहा है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ए इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलमान डिपॉजिट रुपी 1000 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। इफ ही रिसीव रुपी 26,000 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड फर्स्ट है टोटल इंटरेस्ट सलमान ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्यूशन में फर्स्ट 2 ईयर बराबर 2 × 12 मंथ, मतलब ईयर को हमें जो टाइम दिया हुआ है मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 आ जाएगा। इन वन मंथ डिपॉजिट मनी बराबर, इंस्टॉलमेंट हमारी 1000 रुपी की है। इन 2 ईयर डिपॉजिट टोटल मनी बराबर, 24 × 1000 बराबर 24,000। ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपी 26,000। सलमान अर्न इंटरेस्ट 26,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो जो मनी आएगी 2,000, इसने इतनी मनी इंटरेस्ट के तौर पे अर्न की है। अब इसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर जो रेट होगा उसको हम मंथली में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/12 हो गया, और जो इंस्टॉलमेंट होती हैं जैसे टोटल इंस्टॉलमेंट है ये फार्मूला अप्लाई होता है, तो ये 2000 हो गया, पी हमारा 1000 है, प्रिंसिपल की जगह जो एक किस्त की मनी होती है इंस्टॉलमेंट की उसको लिखते हैं। टोटल हमारा एन 24 है, 24 प्लस 1/2 इंटू 1/12 आर अपॉन 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये 1000 है, इधर आ जाएगा अपॉन में क्योंकि मल्टीप्लाई में है पूरा, तो इधर बचा 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 से 12 ये कट गया, 25 × 25 = 100, तो 2 = r/4, ये सॉल्व करके हमारा 2 = r/4 आ गया। अब r ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो r = 2 × 4, r = 8% एनुअली, यही हमें फाइंड करना था, जो रेट होगा 8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का थर्ड पार्ट, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए, इफ एंगल ए बी डी इक्वल टू 26 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी डी ए, बी एंगल बी ए डी, सी एंगल सी ए डी, डी एंगल ओ डी बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे, सर्कल है जिसका सेंटर ओ, सी टेंजेंट और ओ ए रेडियस, ओ डी रेडियस, ओ बी रेडियस और ये ए डी हमारी कॉर्ड है। अब सॉल्यूशन ए बी, मतलब हम ये लिख देंगे। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए बी ये हमारा डायमीटर है तो एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इन द सेमी सर्कल सिचुएटेड एंगल इज राइट एंगल। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल डी ए बी प्लस 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल टू 180, एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 160, एंगल बी ए डी बराबर 64 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। तो हमें ये फाइंड करना था। अब इसके बाद जो दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है वो सी ए डी है, तो एंगल सी ए ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। इन ट्रायंगल सी ए ओ, मतलब एंगल सी ए ओ बराबर क्या होगा, सी ए डी प्लस एंगल डी ए ओ। अब 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी प्लस 64, ये जब इधर इधर से ये जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
एंगल सी ए डी बराबर 90 माइनस 64, तो एंगल सी ए डी बराबर 26। तो दूसरा एंगल हमें सी ए डी फाइंड करना था, वो 26 डिग्री होगा। अब अगर हम बात करते हैं इन द ट्रायंगल ओ डी बी की, तो एंगल ओ डी बी बराबर एंगल ओ बी डी बराबर 26 डिग्री। इन द ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। अब सो एंगल ओ डी बी बराबर 26 डिग्री। अब यहाँ पर हमें चार चीज़ें फाइंड करनी थी, एंगल बी डी ए 90 डिग्री है, एंगल बी ए डी 64 डिग्री है, सी ए डी 26 डिग्री, ओ डी बी एंगल जो 26 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, ये हमारे आंसर होंगे, यही सोल्यूशन होगा। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हमें डेसिमल के वन प्लेस तक सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नोट करेंगे। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें फाइंड होगा, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू माइनस 8। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन 2a, जिसको हम श्रीधराचार्य के फार्मूले से के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 32 अपॉन 2, तो सॉल्व करके आएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। 2 कॉमन ले लें, मतलब 48 हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 रूट 3, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 का अंडर रूट निकल आएगा। अब दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, तो ये 2 अंजा 2, 2 प्लस 2, 2 जा 4, तो x बराबर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, क्योंकि हमसे डेसिमल में एक प्लेस तक पहले पूछा, तो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जब हम माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बराबर 1.7 होता है, x बराबर माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1.7, तो x बराबर माइनस 2 माइनस 3.4, सॉल्व करेंगे x बराबर माइनस 5.4, टेकिंग प्लस साइन x बराबर माइनस 2 प्लस 2 रूट 3, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1.7, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 2 प्लस 3.4। अब ये जब माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1.4, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट है दूसरे ब्रैकेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। LHS नोट कर दिया, फिर LHS में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसे ही रहेगा प्लस 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस लगा तो माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये दोनों आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख भी दिया है। अब कॉज स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉज का अपोजिट सेक होता है, तो माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा है ही है प्लस 1, तो ये सेक स्क्वायर 1 जा सेक स्क्वायर 1, बेस और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है, कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा 4 है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स में है 1 3 2 4, बी इक्वल टू 1 2 2 4, सी इक्वल टू 4 1 1 5 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमें मैट्रिक्स दिया है, फाइंड करना है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 14i, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पहले गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को नोट कर दिया, ए बी कट में बी प्लस सी माइनस 14i, ए की वैल्यू पुट कर दिया
वन थे मैट्रिक्स में 1 3 2 4 1 2 2 4 प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ये हो गया 1 2 2 4 प्लस 4 1 प्लस 1 5 माइनस 14, आई है 1 0 0 1। अब उसके बाद हमें पता है ये 1 3 2 4 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस करना है। 1 में 4 ऐड होगा 5, 2 में 1 ऐड होगा 3, 2 में 1 ऐड होगा 3, 4 में 5 ऐड होगा 9। अब माइनस 14 इसका मल्टीप्लाई होगा 14, 0, 0, 14। अब 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 9 माइनस, ये आई मैट जो है 14 0 0 14 ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब उसके बाद 14 30 इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 5 3 3 9, 9 5 14, 3 1 3 9 3 27, 30, 2 5 10, 4 3 12, 22, 2 3 6, 9 4 36, 42 माइनस 14 0 0 14। अब 14 में से 14 माइनस हो गया 0 बचा, 13 में से 0 माइनस हो गया 30 बचा, 20 में से 0 माइनस हो गया 22 बचा, 42 में से 14 माइनस हो गया 28 बचा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 14 आई की, वो इसकी वैल्यू ये होगी। यहीं पर आंसर कंप्लीट हुआ। जो फोर्थ का हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स आर ए 1, -1, बी 0, 4 एंड सी -6, 4। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी। सॉल्यूशन में ए बी सी और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो डी है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, तो बी और सी का मिड पॉइंट डी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन ये है और एक्स टू हमारा -6 है, अपॉन टू हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो जाएगा। वैल्यू जब पुट करेंगे 0 प्लस -6 बाई टू कामा 4 प्लस 4 बाई टू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 बाई टू कामा 8 बाई टू, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -3, 4। अब एक्स वन बराबर 1 है, वाई वन बराबर -1 है और x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4 है। अब जो इक्वेशन होगी मीडियन AD की, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारी इक्वेशन होती है दो पॉइंट से जाने के लिए, इसका फार्मूला होता है। तो दो पॉइंट हमारे हो गए, एक जो हमने निकाला -3, 4 और दूसरा हो गया हमारा 1, -1 मतलब AD। तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस माइनस ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 4 माइनस ब्रैकेट में -1 अपॉन -3, -1 ब्रैकेट में एक्स -1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन -4 -3, -1 में ऐड होगा -4 होगा इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा हमारा y प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन -4 इक्वल टू ब्रैकेट में x -1, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, -1 -4y -4, 4 1 4 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इक्वल टू 5x -5। अब ये तो हमारा माइनस का 4 ही रहेगा और ये प्लस का 5, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब 5x, ये इधर का माइनस है ये इधर आया प्लस हो गया, 5x + 4y = 1, यही हमारी इक्वेशन होगी दो पॉइंट से होकर के जाने वाली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी ओ इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट टी, कॉर्ड ए बी प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट पी, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 16 सेंटीमीटर,
एंगल पी टी बी बराबर 50 डिग्री, एंगल ओ बी ए बराबर 45। फाइंड लेंथ ऑफ पी टी, एंगल बी ए टी और एंगल बी ओ टी, एंगल ओ बी टी, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लेंगे, उसके बाद फिर पी टी फाइंड करनी है। तुम्हें पता है कि अगर कोई कॉर्ड और कोई टेंजेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है तो ए बी इंटू पी टी बराबर क्या होगा, पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, ये थ्योरम होती है। तो उसी को अप्लाई करके हम पी बी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें ए पी निकालना होगा, तो ए पी बराबर होगा ए बी प्लस पी बी, 16 प्लस 9, डायग्राम से क्लियर है। तो सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ ए पी बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी टी बराबर अंडर रूट ए पी इंटू बी पी, तो पी टी बराबर क्या होगा 25 और ए बी पी हमारा है 16, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 × 4 × 4, इसको हमने ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टर में। तो ये 5 5 का पेयर है, ये 2 2 का, मतलब ये 4 4 का पेयर है, तो 1 5 1 4 बाहर आ जाएगा, तो पी टी बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। और इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है वो यही है कि वेन ए टेंजेंट एंड ए कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉर्ड। अब एंगल बी ए टी बराबर एंगल पी टी बी बराबर 50 डिग्री, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट में क्या होते हैं, सिचुएटेड एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारा बी ए टी एंगल जो है एंगल पी टी बी के बराबर हो जाएगा। और एंगल बी ओ टी जो है हमारा एंगल बी ए टी के दुगना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बाई सेम आर्क एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर डबल इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल बी ए टी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी टी बराबर 50 डिग्री, ये सेम सेगमेंट वाला हो गया, एंगल बी ओ टी बराबर 2 × एंगल बी ए टी बराबर 2 × 50 बराबर 100 डिग्री, ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये हमारी थ्योरम होती है। तो ये एंगल बी ओ टी फाइंड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगर हम एंगल ओ बी ट्रेंगल ओ बी टी में, तो ओ बी ओ टी के बराबर है और ये एंगल हमें फाइंड हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि इन द ट्रेंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, तो यही अप्लाई करेंगे। और इन द ट्रेंगल ओ बी टी, ओ बी बराबर ओ टी, सेम सर्कल रेडियाई एंगल ओ, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल ओ बी टी बराबर एंगल ओ टी बी, इन द ट्रेंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, तीनों एंगल का सम कर देंगे एंगल बी ओ टी प्लस एंगल ओ बी टी प्लस एंगल ओ टी बी बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। ये बी ओ टी 100 डिग्री हमने फाइंड किया है पीछे, प्लस ओ बी टी प्लस ओ बी टी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, या तो हम एक टर्म में चेंज कर लेंगे बराबर 180। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 एंगल ओ बी टी बराबर 180 माइनस 100। अब एंगल ओ बी टी बराबर 80/2, तो सॉल्व करके आएगा 40 डिग्री। अब एंगल ओ बी टी बराबर 40 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का वन, मिसेज अरोड़ा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर, तो हमें हेयर ऑयल कैसेस नट खरीदा है, प्राइस रेट जीएसटी डिस्काउंट दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, टोटल जीएसटी पे और टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी फाइंड करना है। सॉल्यूशन में प्राइस ऑफ हेयर ऑयल 1200, 18% ऑफ 1200 बराबर 12 × 18/100 बराबर रुपी 216, जीएसटी ऑन हेयर ऑयल बराबर 216। अब प्राइस ऑफ केस्यू नट रुपी 600, 12% ऑफ 600, 600 × 12/100 जीएसटी ऑन कैश्यू नट बराबर रुपी 72। अब टोटल जीएसटी पेड बराबर क्या होगा, 216 प्लस 72
बराबर ₹288। तो ये टोटल जीएसटी पेड किया गया। अब इसके बाद में होगा जो टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी बराबर क्या होगा, 1200 का हेयर ऑयल था, 216 जीएसटी लगी है, 600 का कैसियो नट था, 1200 रुपये इस पर जीएसटी लगी है, तो इसमें जो है 100 का, तो क्या हो जाएगा 14 116 + 672 जोड़ करके 2038। अब इसमें जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करके आएगा 2038 - 100 बराबर ₹1988। इतना रुपए का बिल पे करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5th का सेकंड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, सेट द रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन, -5 ब्रैकेट में x - 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 17 -9x ग्रेटर दैन x + 2 एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सॉल्यूशन फर्स्ट हम क्वेश्चन नोट करेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा -5 ब्रैकेट में x - 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 17 -9x एंड ग्रेटर दैन x + 2 एक्स बिलोंग्स टू r। अब इसको जो ये है एक और दूसरे को ब्रेक करके लिख देंगे, -5x + मतलब ये से मल्टीप्लाई होगा, 5 9 = 45 -, प्लस हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 17 - 9x एंड 17 - 9x ये इसके इक्वल करके ग्रेटर दैन x + 2। अब दोनों को साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो -5x + 9x बराबर क्या होगा, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 17 - 45। इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले गए, एंड 17 - 9x था तो ये इधर ले गए और ये इधर ले आए, 17 - 2 ग्रेटर दैन x + 9x। तो 5 - 5 है, +9 है, 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -28 एंड 15 > 10x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x > -28/4 सॉल्व करेंगे -7 आ जाएगा एंड 15/10 3/2 ग्रेटर दैन x, तो आ जाएगा x > -7 एंड x इज स्मॉलर दैन 3/2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स -7, 3/2 एंड x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, ये रही नंबर लाइन 0 और ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये प्लस में 3/2, तो ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का थर्ड पार्ट। इन द गिवन फिगर ए सी पैरेलल डी ई पैरेलल बी एफ, इफ ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ई जी बराबर 8 सेंटीमीटर, जी बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। डायग्राम ये इस तरह से है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये जैसे दिया हुआ है। प्रूफ इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, फर्स्ट हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। तो हमारा जो ई जी है वो 8 सेंटीमीटर है, बी जी 16 और ये बी एफ 30 और ये हमारा ए सी 24 और ये हमें गिवन है और ये तीनों आपस में पैरलर हैं। प्रूफ करना है ट्रायंगल जी ई डी सिमिलर ट्रायंगल जी बी एफ, फाइंड करना है डी ई और बी डी और ए बी में रेशियो को हमें फाइंड करना है, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। तो इसके प्रूफ इस तरह से करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, इन द ट्रायंगल जी ई डी एंड ट्रायंगल जी बी एफ एंगल ई जी डी एंगल ई और ये रहा जी और डी और एंगल बी जी एफ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल होगा। एंगल जी बी एफ ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा और एंगल ई डी जी बराबर होगा एंगल
जी एफ बी, ये भी अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह तीनों एंगल जब इक्वल हैं तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ट्रायंगल जी ई डी सिमिलर ट्रायंगल जी बी एफ। तो बाई सी पी सी टी क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों में सेम रेशियो होगा, तो क्या आ जाएगा डी ई अपॉन बी एफ बराबर क्या होगा ई जी अपॉन बी जी। तो डी ई अपॉन 30 बराबर क्या होगा 8 अपॉन 16। अब 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, तो क्या हो जाएगा ये 30 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डी ई बराबर आएगा 30/2, तो ये हो जाएगा डी ई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल सी बराबर ई मिल गया, एंगल ए बराबर एंगल बी डी ई मिल गया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी ई भी क्या होगा सिमिलर होगा, और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा बाई सी पी सी टी ये दोनों भी सेम रेशियो में होंगे, और जब सेम रेशियो में होंगे तो क्या हो जाएगा डी ई अपॉन ए सी। जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं ये रहा डी ई अपॉन बी बी सी, डी ई ये रहा और बी सी ये रहा, तो डी ई अपॉन सॉरी ए सी है, तो ये रहा ए सी, ये रहा डी ई अपॉन ए सी बराबर क्या होगा बी डी अपॉन ए बी। तो ये रहा हमारा बी और डी, और ये रहा हमारा बी डी अपॉन ए बी, दोनों में सेम रेशियो होगा, तो 15/24 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी अपॉन ए बी का रेशियो निकालना है, तो क्या आ जाएगा 3/5 = 15, 3/8 = 24, बी डी रेशियो तो कितना आ जाएगा 5:8, या यही 15/24 इस तरह भी दिखा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा आंसर होगा या यही हमारा सोल्यूशन होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, द फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ द एपी। सॉल्यूशन में क्या होगा, ए 5 बराबर ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर क्या होगा 4, इक्वेशन 1 मान लिया, ए 9 बराबर ए प्लस 8d, ए प्लस 8 बराबर 12, इक्वेशन 2 हो गया। अब जब हम a प्लस 8d को a प्लस 4d प्लस 4d में लिख सकते हैं, 12 के इक्वल होगा, और फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा a प्लस 4d की वैल्यू 4 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आएगा 8 + 4d = 12, 4d = 12 - 8, d = 4/4, d = 1 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस है, जब डी बराबर 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए प्लस 4 × 1 = 4, तो ए बराबर 4 - 4 इक्वल टू 0। अब हमें सम ऑफ 16 टर्म फाइंड करना है, तो एस 16 बराबर होगा 16/2 ब्रैकेट में 2 × 0 प्लस 16 - 1, कॉमन डिफरेंस 1 आया था। सॉल्व करेंगे तो 2 8 = 16 और ये 0 + 15, तो आ जाएगा 15 8 = 120, यही हमारा आंसर होगा। जो एस 16 की वैल्यू है वो क्या होगी 120 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, ये डायग्राम है इसका, इस पे हमें फाइंड करना है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, पी इज ए पॉइंट ए बी सच दैट ए पी रेशियो पी बी 3:n, यूजिंग सक्सेसिव फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, पहले तो डायग्राम ड्रा कर लिया, तो जो कोऑर्डिनेट है ए का वो क्या होगा, यहाँ 4 पे टच कर रहा है डायग्राम जैसा कि क्लियर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 है x का यहाँ पर और y का 4 है, तो ये 0, 4 हो गया, और यहाँ पर ये क्या है a है, तो यहाँ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 है, 4, 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a इज
फोर कामा जीरो और कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो कामा फोर। और जो बी पार्ट होगा पी का, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी होगा, सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, वन इंटू जीरो थ्री इंटू फोर अपान वन प्लस थ्री, वन इंटू फोर प्लस थ्री इंटू जीरो अपान वन प्लस थ्री। सॉल्व करेंगे ट्वेल्व बाई फोर कामा फोर बाई फोर, तो सॉल्व करके आएगा थ्री कामा वन, तो पी का कोऑर्डिनेट थ्री कामा वन होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन 25 कार्ड नंबर्स थ्रो 1 to 25, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 5, परफेक्ट स्क्वायर, अ प्राइम नंबर। सॉल्यूशन, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 25 है, नंबर ऑफ कार्ड मल्टीपल ऑफ 5 कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 5 कार्ड ये भी है, प्राइम नंबर ये 2, 3, 5, 7, तो मतलब 9 कार्ड हैं जो कि प्राइम नंबर है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड मल्टीपल ऑफ 5, नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, 5 बाई 25, तो आंसर आएगा 1 बाई 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर भी 5 है, तो 5 अपॉन 25, 1 बाई 5 सॉल्व करके आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट प्राइम नंबर 1 to 25 में कितने हैं, 9 परफेक्ट प्राइम नंबर हैं, तो 9 अपॉन 25, यही हमारा आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवन्थ का सेकंड, अ मैन अकर्स कवर्स ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इट वुड बी हैव टेकन 1 किलोमीटर आवर लेस, फाइंड एक्स द ओरिजिनल स्पीड। सॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मैन 100 किलोमीटर, मैन ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 किलोमीटर कवर कर रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर से, तो जब स्पीड बढ़ा देगा कम समय लग रहा है 1 घंटा, इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करेंगे तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100x प्लस 5x, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस 100x बराबर 1। सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 500 अपॉन x² + 5x = 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 500 बराबर x² + 5x। अब x² + 5x - 500 = 0, मतलब 500 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, x² + 25 - 20 - 500 = 0, ये फैक्टर होगा, तब ये 25 में से 20 गया तो 5 ही बचेगा, दोनों में x कॉमन, x प्लस 25 बचेगा, यहाँ माइनस 20 कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 25 बचेगा, तो आ जाएगा x प्लस 25 दोनों में कॉमन है, x माइनस 20, इफ x प्लस 25 बराबर 0, x बराबर माइनस 25 किलोमीटर पर आवर, ये पॉसिबल नहीं है, इफ x माइनस 20 इक्वल टू 0, x बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, मैन ट्रेवल विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है, सॉलिड इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई ए कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, द सॉलिड इज इमर्स कम्प्लीटली इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विथ वाटर टू ए सर्टेन हाइट, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल। पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है वाटर लेवल में राइज, तो वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज वाटर लेवल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाई कोन, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके लिए फार्मूला लगेगा, 2/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर +1/3 πr² h, दोनों में से इसमें से 1/3 π कॉमन ले लेंगे, 2r³ + πr² h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू कैपिटल 14 है, 14 × 14 × h बराबर 1/3, और इसकी है 2 × 3/7 + 2/7 × 4, तो सॉल्व करेंगे तो 343 × 686 + 196, बाहर 1/3 रहेगा, और इधर सॉल्व करके आएगा 196। अब उसके बाद ये जो सॉल्व करके 196 × h आया है,
इक्वल टू 1/3 686 प्लस 196, तो h यहीं रहेगा और इन सबको सॉल्व करके आएगा 882/3, ये 196 डिवाइड कर जाएगा तो h बराबर आएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो इंक्रीज इन वाटर लेवल हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है यहाँ पर मीन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार होगा। जो मार्क्स क्लास इंटरवल है वो इस तरह से बना लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट FI है, क्लास मार्क इन दोनों का सम करके हाफ कर लेंगे तो 5, 10, 25, 35, 45, 55। मिड पॉइंट को ए मान लेंगे, -20, -10, 0, 10, 20, 30 ये आ गया। अब FIDI, क्योंकि स्टेप डिवीजन से निकालना है तो ये रहा हमारा FI, ये है DI, -60, -80, 0 और ये 14, 25 को 90 का आ जाएगा, और सॉरी 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 9 सॉरी यहाँ पर 9, 10 जा 90 और 4, 80, 60, मतलब FIDI का प्रोडक्ट -60, -80, 90, 80, 60 दोनों को सम करेंगे, सिग्मा FIDI बराबर 90 और सिग्मा FI 40 है। तो जब मीन निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ए हमने 25 मान रखा था मिडिल टर्म को, 90 अपॉन 40, सॉल्व करेंगे 2.25, तो 25 में 2.5 ऐड करेंगे तो 27.25 आंसर आएगा, यही हमारा आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग वार्ड नंबर बी एडेड टू ईच नंबर 4, 6, 8, 11 इन ऑर्डर टू गेट 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एक्स नंबर बी एडेड टू ईच नंबर 4, 6, 8, 11 इन ऑर्डर टू गेट 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 + x / 6 + x = 8 + x / 11 + x, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 + x = 11 + x, 8 + x (6 + x) सॉल्व करेंगे 11 × 4 = 44, 4x, 11x, x² = 48, 8x, 6x + x² कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 + 15, 48 + 14x, एक्स को इधर ले आएँ इसको इधर ले आएँ तो 15x - 14x = 44 - 14, x = 4, तो जो नंबर होगा वो 4 ऐड कर दे सब में तो सारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, √2x + 2 + √2x - 1 / √2x + 2 - √2x - 1 = 3, इसको यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व करना है तो √2x + 2 + 2x - 1 + 2x + 2 - √2x - 1 और फिर नीचे हो जाएगा 2x + 2 + 2x - 1 -2x + 2 + √2x - 1 बराबर 3 + 1 = 3 - 1, एक बार जोड़ना होता है एक बार माइनस करना होता है, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 √2x + 2 फिर 2 √2x - 1 क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला कट जाएगा प्लस माइनस = 3 + 1 = 4, 3 - 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 4 आ जाएगा तो आ जाएगा √2, 2 से 2 कट गया, √2x + 2 / √2x - 1 = 2, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x + 2 = 8x - 4, तो फिर जो लाइक टर्म है एक तरफ कर लो 2 + 4 = 8x - 2x, तो 6x = 6, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 1, यही हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का सेकंड पार्ट, ये AP दी हुई है, इसका 300 लास्ट टर्म है, हमें फाइंड करना है ये कौन सा टर्म होगा, तो लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 300 AN = A + N - 1D, तो A हमारा
ए एन हमारा 300 है, ए हमारा 15 है, कॉमन डिफरेंस 15 है, एन माइनस वन बराबर 15 पुट कर देंगे। 300 माइनस 15 इक्वल टू एन माइनस वन 15, 285 ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन 19, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस, 19 प्लस वन इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 20। अब सम ऑफ ऑल टर्म, एस 20 बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, तो एस 20 बराबर 20 बाई टू ब्रैकेट में 15 प्लस 300। सॉल्व करेंगे ये 15 आ जाएगा, 15 प्लस 300, 300 15, तो पूरा सोल्यूशन करके जो नंबर आएगा 15 इंटू 315 या एस 20 बराबर आएगा 4725। यही मैं फाइंड करना था सम ऑफ एपी, यही आंसर होगा। जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई मैन ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी, यहाँ पर है 38, यहाँ पर है 45, अपोजिट साइड हैं। अब हमें ये फाइंड करना है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट डायग्राम को ड्रा कर लेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एंगल पी डी ए बराबर एंगल डी ए सी 45 हो जाएगा, एंगल बी डी क्यू बराबर एंगल डी बी सी 38, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब उसके बाद इन द ट्रेंगल ए सी डी टेन 45 बराबर डी सी अपॉन ए सी, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है 100 अपॉन ए सी, तो ए सी बराबर आ गया हमारा 100 मीटर। अब उसके बाद इन द ट्रेंगल डी सी बी टेन 38 बराबर सी डी अपॉन बी सी, 38 डिग्री की वैल्यू होती है 0.7812 बराबर 100 अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 0.7812, पॉइंट हटा 40 बढ़ गए, सॉल्व करके आएगा 128.008, मतलब इसको हम 128 ही मान सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आएगा ए सी प्लस बी सी, सॉल्व करके आएगा 228.008 मीटर, या इसको हम 228 मीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है 2x³ - x² - 13x - 6, इसको हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो हमने सपोज किया लेट x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, पुट इन पॉलिनोमियल 2 इंटू -2³ माइनस ब्रैकेट में -2² -13 इंटू ब्रैकेट में -2 -6, सॉल्व करेंगे 2 इंटू -8 -4 प्लस 26 -6 -16 -4 प्लस 26, ये माइनस का 6 पहले लिख दिया, सॉल्व करके आएगा -26 प्लस का 26 बराबर 0, तो x प्लस 2 फैक्टर हो गया गिवन पॉलीनोमियल का। जब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2x³ लाना है, तो हम 2x² से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x³ प्लस 4x² आएगा, सॉल्व करके आएगा -5x² -13x। अब हमें माइनस का 5x² लाना है, माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -5x² -10x आएगा, लेकिन माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 3x -6 -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा -3x -6, दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस करते वक्त, तो इसका मतलब x प्लस 2 और 2x² -5x -3, ये हमारा कोशेंट आ गया। अब x प्लस 2 और ब्रैकेट में 2x² -5x -3, अब ये तो ऐसे ही नोट होता रहेगा, 3 का ऐसा फैक्टर करना, 3 2 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 6 1 6, 2x² -6x प्लस 1 -3, 2x कॉमन ले लिया x -3, 1 कॉमन लिया प्लस का x -3, सॉल्व करके आएगा यहाँ कॉमन होगा x -3 2x प्लस 1, x प्लस 2 x -3 2x प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पेपर के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।